बचने के लिए अगर मुख्यमंत्री संवेदनशील नहीं होते तो यहाँ जिला प्रशासन अस्पताल प्रशासन इतनी तन्मयता के साथ किसी चीज़ की कमी नहीं होती, कमी पूरी पाटा गया है। ये तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व का ही परिणाम है कि आना जाना ये अलग विषय है, लेकिन वो हर क्षण इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं। ये संवेदनशीलता की पहचान है, ये उनकी कहीं ना कहीं दिल्ली दूर वहाँ से केंद्रीय मंत्री आकर हालचाल जाना, इन लोगों के दर्द को बांटा, लेकिन उसको वो पूरी देख रहे हैं, पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। अब जिला प्रशासन हमारा प्रतिनिधि है और वो यहाँ पर पूरी तन्मयता के साथ 24 घंटा लगे हुए हैं। इस बात पर आप इस चीज को पॉजिटिव ढंग से देखिए। क्या 4 लाख रुपया घोषणा कर मुआवजा की जो है इतिश्री कर लिए अपना? नहीं नहीं, ये मुआवजा उस बीमारी का मुआवजा नहीं, ये है उसके आश्रित है, उसके बच्चों को कष्ट में उनको देने के लिए। ये मुआवजा को ये मत मानिए कि ये देख करके कि हमने अपनी बीमारी से मुक्त, ये पहला राज्य है जहाँ इतनी संवेदनशीलता और हमारे मुख्यमंत्री पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ, हमारे टीम लगे हुए, हमारे यहाँ अस्पताल अधीक्षक हैं, सारे चिकित्सक हैं। आप उनकी मेहनत को भी तो आप देखिए, लेकिन यहाँ पे जो है संवेदनशीलता उनकी नहीं झलक रही है। आपको नहीं झलक रही होगी, ये तो आपको नहीं झलक रही होगी, लेकिन देखिए कि मरीज बचाया जा रहा है, मरीजों को कंट्रोल हो रहा है, ये क्या है, किस चीज़ को आपके आपके परिभाषा में क्या हुआ? ये मान रहे हैं कि संसाधन बढ़ाने की जरूरत है, जितनी तादाद में बढ़ी संसाधन जितने भी बढ़ेगी उसकी बढ़ाया जाए। हम लोगों ने केजरीवाल को आज भी बहुत सीट खाली है, कोई शिकायत मिल रहा था कि वहाँ सरकार, लेकिन जिला प्रशासन ने कहा है कि निःशुल्क वहाँ होगा, लेकिन वहाँ डॉक्टरों से पैसा मांगने की शिकायत, पहले शिकायत थी जैसा लोगों ने कहा, लेकिन आज के दिन कोई शिकायत नहीं, अभी भी वहाँ पर कई बेड खाली है, इसलिए साधन की कोई कमी नहीं है, दवाओं की कोई कमी नहीं है, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। हाँ, तो बाल खेलता जी देख।